to Christian University, all my students. And I'm very honored to be here and get the opportunity to speak. Last year, I translated Bhagavad Gita into Japanese from Sanskrit language. And I published by Kadokawa Publishing Company in Japan. So now I would like to speak on my translation, my purpose of translation and publishing of the Bhagavad Gita. Right, after this, please let me speak in Hindi. Abhivak, Japan. Kuchu Mikibanamne, Shri Bhagavad Gita ko Japanime Anumar Kake, Prakash to Kiti. Parant, Unka Anumar, Sadaran Japani Logon Kerie Nahinta, Arki, Mikibanam Ke Lieta. Mene Kabi Kabi Japani Logon, Yete Neko Osinata. Ki, Durgam Japanime, Anumar Kia Jamete Kara, Unka Anumar, Parmehinsa. यदि जो संस्कृत भाषा भारतीय दर्शन धर्म और संस्कृति नहीं आती वे जापानी साधारण लोग उनका अनुवाद नहीं पढ़ सकते तो अनुवाद करने का क्या उद्देश्य होगा कहां उद्देश्य होगा यहां भारत में केवल विद्वान ही नहीं साधारण लोग और बच्चे भी श्रीमद भगवद गीता पढ़ते हैं जो संस्कृत भाषा नहीं जानते इसलिए मैंने आसान और सरल जापानी में अनुवाद करके प्रकाशित किया ताकि साधारण से साधारण जापानी लोग भगवद गीता पढ़ सके श्रीमद भगवद गीता भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप विरासत और आत्मा है इसमें कोई संदेह नहीं है श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर भारतीय संस्कृति भी समझ सकते हैं इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को जापानी में अनुवाद करके प्रकाश करने का मेरा उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश और विचार के साथ भारतीय संस्कृति को भी जापानी लोगों के दिल तक पहुंचाना था जापानी लोगों के दिल तक पहुंचाना था जापानी लोगों के दिमाग या बुद्धि तक नहीं दिल तक पहुंचाना था महात्मा गांधी कहते हैं कि गीता में ज्ञान का महत्व क्या ज्ञान का महत्व लिखा जाता है फिर भी गीता बुद्धि से कम है नहीं दिल से कम है श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश और विचार समझना आसान नहीं है परंतु जैसे महात्मा गांधी कहते हैं जैसे श्रीमद् भगवत गीता दिल से तो समझ सकते हैं दिल से तो महसूस कर सकते हैं विशेषतः विदेशी लोगों के लिए दिल से भगवद गीता समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं मुझे लगता है कि हजारों साल पहले से भारतीय लोग श्रीमद् भगवद गीता को दिल से समझकर महसूस करते जीवन की समस्याएं सुझाता रहते हैं दुख मिटाते रहते हैं और जीने की प्रेरणा प्राप्ति करता रहते हैं ऐसी बात तो केवल भारतीय लोगों के लिए नहीं जापानी लोगों के और विशेष लोगों के लिए भी होनी चाहिए श्रीमद् भगवद गीता को दिल से समझने के लिए दिल से महसूस करने के लिए आसान और सरल शब्दों का प्रयोग करके अनुवाद करना अति आवश्यक है अगर लोग नहीं पढ़ सकेंगे तो कैसे समझ सकेंगे
कैसे महसूस करेंगे, कैसे जीवन पे जीवन की समस्याएं सुलझा कर सकते हैं।